हे गाइस, आज हम खेल रहे हैं कार एक्स हाईवे को। बहुत टाइम से मैं रॉकी रैम्पेज को ही ट्राई कर रहा था और अच्छा गेम है, लेकिन क्या है उसमें ना, जो वॉल्स को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो सोचा आज कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कार एक्स हाईवे को। यहाँ पर फर्स्ट में ही रेस दिखा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक रेसिंग गेम है तो फर्स्ट में ही रेस होगा। आई एम ग्लेड टू सी यू, वुड यू हैव कैल्ड बट यू आर टैलेंटेड रेसर। मुझे तो पता नहीं था यार, मेरे को तो लग रहा था मैं उतना अच्छा रेसर नहीं हूँ, लेकिन तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। एंड आई नीड टू यूर हेल्प, हेल्प मी स्केप फॉर दिस सैडी पर्सर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इसमें स्पीड कैसे करना है, सिर्फ मेरे को कंट्रोल सी करने है। ओके सही है, मैं वही सोच रहा था क्यों इसमें वो नहीं किया जा रहा है। बटन्स कंट्रोल यूज बटन्स नहीं, बटन से कंट्रोल करने में थोड़ी परेशानी होता है। मैं इसको थोड़े ऑप्शन इसलिए मेरे लिए, रोटेट योर डिवाइस टू टर्न लेफ्ट एंड राइट। ओके कोई नहीं, समझ आ गया मेरे को। अब भी इसको बताता हूँ मैं मेरे अंदर कितना दम है। ठीक है, ब्रेक है शायद, अब मैं टू को यूज़ कर रहा हूँ। स्पीड तो काफ़ी सही है, लेकिन वो आगे निकल गया है। बिल्कुल डिस्टेंस को जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। कम ऑन 143 हारने को क्या। फर्स्ट में सबसे इजी होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं उसी को हार रहा हूँ। एक और बार। ओके, गेटिंग फॉर द चेसर इजंट सिंपल एट ऑल, मस्ट बी कंटिन्यू कनेक्टेड टू माई इन्वेस्टिगेशन, देयर आर मोर ऑफ देम नाउ, यू गॉट कम फर्स्ट। मेरा हारना तय था मतलब? ऐसा नहीं है, तो ये सारे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हूँ। हूँ कौन? नाइट्रो एट मैक्सिमम, टैप द बटन टू यूज। नाइस, गैर कारण यहाँ पर रेसिंग चल रहा है, उसको रोकने के लिए मेरे को खुफिया खुफिया पुलिस या स्पाई बना के यहाँ पर भेजा गया है ऐसा लग रहा है। बाकी के डिटेल्स तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इस बार रेस में आराम से जीत जाऊँगा। नाइस, ये हुई ना कुछ बात। पिछला मैच में इतने इजी तरीके से जीतने वाला मैच को मैं हार गया था। आई कैन हियर तिरेन, समवन मस्ट हैव कॉल्ड द पुलिस, दे ट्राई एंड अरेस्ट एनीवन, द सिटी इजंट दैट फॉर अवे। प्लीज़, मेरे को लगा था कि मैं यहाँ पर पुलिस का काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने का, लगता है ये पर्सनल मिशन है इसका। अरे पुलिस से पंगा नहीं लेने को, इसको कहते हैं प्रो रेसिंग। पुलिस को ही लेके दे दबोचा मैंने तो, लेकिन यहाँ पर वो अकेला नहीं है, वो मेरे को पकड़ने के लिए, पकड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, ध्यान रखना होगा। मेरे कार को देख के लगता नहीं है स्पोर्ट कार है, लेकिन स्पीड जबरदस्त भैया। धमाकेदार फिनिश। यू हेल्प अस एस्केप द परस्यूट एंड नाउ वी आर द टैक्सेस, इट्स टाइम टू डू सम बिजनेस। ओके, व्हाट बिजनेस? आई इन्वेस्टिगेशन थीप ऑफ सम वेरी रेयर स्पोर्ट कार, सम ऑफ देम आर टू डेट्रिटीज, दे बिलोंग टू माई रिच क्लाइंट्स, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस द थीप्स आर इन्वॉल्वड इन सम इलीगल रेसिस। ओके, आई हेट वर्किंग विदाउट हैविंग फुल इन्फो, यू गॉट अ गिव मी डिटेल्स। यस,
check it out for. You can buy a car and take part in a few races to show your skills and make some connections. Got you. एक नया कार, कौन सा कार ले सकते हो यहाँ, बहुत सारा है लेकिन मेरे बजट पे कौन सा फिक्स बैठता है। हेलो, मेरे को ये वाला कार चाहिए यार, ये सही लग रहा है, लुक भी काफ़ी सही लगता है। ये छोटा पैकेट वाला धमाका, ये नहीं ना 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 ना, यही सही है। कम ऑन, ओके लेट्स गो, टेस्ट योर कार ऑन द रोड, लेट्स गो। ओके, मैं भी तैयार हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। आई नो अ लोकल गाय नेम्ड फिन, ही ऑलवेज हैंग्स आउट एट ऑल काइंड्स ऑफ पार्टीज, ही कैन हुक यू अप विथ सम स्ट्रीट रेसर्स बट यू हैव टू इम्प्रेस हिम बाय विनिंग अ रेस। कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द गाय, स्टीफन सेज यू आर द गाय हु कैन बीट मी ऑन द रेस ट्रैक, लॉस्ट एट इट बट सी इज बीटिंग मनी ऑन यू, आई होप यू मेड अ बिट टू। अरे समझो, मैं तेरे से बेटर रेसर हूँ, हारने के बाद तो समझ जा। देयर इज सम कैश waiting at the finish line but you gotta prove you are worth it, I put up my regular car against you। okay, पिछले वाले में क्या किया था तूने, कौन सा कार पकड़ के आया था, खटारा को। लेट्स गो, देखते हैं दम कितना है तेरे अंदर। कौन सा है भैया, हाँ ये रहा ड्यूल। रिवॉर्ड तो सही लग रहा है, $2,000 अगर मिलता है तो ये तो बहुत बढ़िया। फिन ऑफर अ ट्रेनिंग रेस, रिएक्शन टाइम एंड कार पावर आर इम्पोर्टेंट ऑन लीजी। अरे लीजी है कोई ना, आप ही रेस करते हैं, देखते हैं। मीडियम वाले जो रेस है ना उसमें मजा आएगा, मीडियम डिफिकल्टी वाले रेस में ईजी है। और कार का लुक देखो क्या लग रहा है, लेकिन पीछे हो रहा है मेरा कार, स्पीड पकड़ने में टाइम ले रहा है बहुत। तो टॉप स्पीड कितनी है, तो क्या क्या खतरनाक लुक मिल रहा है। कोई नियम नहीं है यहाँ पर, किसी भी ट्रैक के ऊपर से धमड़ाम। वो ये देखो एक्सपीरियंस यार, उसके पास एक्सपीरियंस है और वो ट्रैक को इस तरह से ब्लॉक भी कर रहा है, जितने के चांसेस कम है। स्पीड रॉन्ग साइड में हूँ मैं, लेकिन यही अच्छा एक तरीका है उसको जल्दी जल्दी फिट करने का। तो ट्रैक मतलब कि जो ट्रैक के ऊपर जो कार्स है ना भैया, इतना सेकंडों का फर्क आया होगा बस, वरना अभी मेरा किस्सा खत्म था। Not bad. How about we pay sender? Visit is got a workshop and small car racing club. He could help you improve your skills. क्या बोल रहा है ये फिन, हराया हूँ भाई तेरे को, तेरे से ज़्यादा बेटर स्किल्स है मेरे अंदर। Can you introduce me to him? My grandma sender. Okay. My grandma drive this. किडा कार, सॉरी दिस काइंड कार, व्हेन सी गोज ग्रोसरी शॉपिंग यू शुड फाइंड अ गुड मैकेनिक वुड टर्न यू व्हील्स इनटू समथिंग मोर स्पोर्ट्स लाइक, आई बी बैक सून। इसे प्रेशर बन जाने में कुछ नहीं है, उसके लिए आपको मैकेनिक की जरूरत पड़ेगा और ये है हमारा मैकेनिक, जिसको मेरी कार स्पोर्ट कार नहीं दिख रहा है बल्कि उसकी ग्रैंडमा की कार की तरह दिख रहा है, नहीं सारी ड्राइव्स बोल रहा है, मतलब किस तरह का ड्राइविंग वो करते हैं बोल रहा है। आई वैक सुन, अगर मेरे को
जो उसमें है उसमें जाना है, मतलब कि जो ग्रुप है उसमें जाना है, तो मेरे को ज़्यादा बेटर पावर वाली कार चाहिए होगा, और उसके साथ साथ स्किल्स भी मेरे को और अच्छे चाहिए। माई नेम्स जे, आई एम चीफ मैकेनिक। स्टीफन आस्क मी टू टेक केयर ऑफ योर कार। मैंने सोचा था मेरे को एक एक्सपीरियंस मैकेनिक मिलेगा, लेकिन हुआ क्या भैया, ये रहा हमारा यंग गन जो कि हमारे लिए काम करेगा। आई होप इट वॉजंट टेक यू लॉन्ग। यस, मेरा भी यही सवाल है, ज़्यादा टाइम ना ले। आई कैन टर्न अप एवरी पीस, इट्स योर चॉइस। स्टीफन्स गॉट अ बजट फॉर दैट। गॉट यू, मतलब पहले सर्विसिंग फ्री, सॉरी सर्विसिंग नहीं, मॉडिफिकेशन। द कंपनी गिव्स यू ओके $12,000। लेट्स मी पिक व्हाट टू इम्प्रूव। ओके, किन चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ? मेरे को पहली चीज़ तो चाहिए वो है टर्बाइन, पिस्टन को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहूँगा मैं। दिखाई इतना सारी चीज़ें रहा है, मेरे को ज़्यादा के बारे में जानकारी नहीं है, बट जो भी है उससे काम चल जाएगा। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्पीड है, और स्पीड किस चीज़ से बढ़ सकते हैं? टर्बाइन 5,000, पिस्टन 3,000, एग्जॉस्ट नहीं, क्लच और गियर बॉक्स को अपग्रेड करता हूँ। हो गया ख़त्म, इतना ही में ख़त्म हो गया भैया। Now you can run faster. Good luck racing and remember to come drop by for time to time. हर इसी से तो इनका घर चलता है भैया। Thanks for your help. Now let's try it. Let's see how you are got your car improved. How fast can you cover this part of the road? I should be quick in noise. मतलब ये जो कि है वो मैकेनिक नहीं है तो क्या रेसर वगैरह है क्या कुछ? प्राइस में भी ठीक है, पिछले प्राइस इतना ही है, 2,000 ही है, स्टार्टिंग के लिए ठीक ही है। यहाँ पर मेरा रेस नहीं है, बस मेरे को स्पीड को देखा जाएगा, इतना स्पीड में कवर कर सकता हूँ। ये सही लग रहा है, ओए ठोका, ये सही नहीं, ये ठीक है। तो व्यू भी तो मिलना चाहिए थोड़ा। ये कमाल का 2.6, इम्प्रूवमेंट था। ते हैं स्टीफन क्या बोलते हैं, यू डिड वेल, टैग टू द गाय फॉर माई क्लब, टैग टू द गाय फॉर माई क्लब। ओके, यू नो फिन वेल, रे कैन ड्राइव यूर फास्टर। अब भैया फिन से तो अभी तक निपटा नहीं हो, रे पे ला के पटक रहे हो तुम। आई टेक टू हिम, ओए रुको 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 रुको, यू शुड कंटिन्यू कम्युनिकेटिंग विथ हिम एंड हिज फ्रेंड्स। सेंडर इज द बेस्ट रेसर इन द स्टेट, इसकेस ही इज नॉट इन्वॉल्वेड, ही मस्ट स्टिल हेल्प अस फाइंड सम क्लूज। सेंडर जो कि है भाई, उसकी अगर अगर वो यहाँ होता तो मैं यहाँ पर क्या करते रहता, मैं सेकंड बेस्ट रेसर हूँ ऐसा मुझे लगता है। आई सी व्हाट आई कैन डू। यस यस, हम रेसर थोड़ी ना है। व्हाट्सअप आई एम रे, ओके पहले आना चाहिए ना यार, ये सब होने के बाद क्यों आपसे मुलाकात हो रहा है। आई लुक आफ्टर सेंडर्स कार एंड आई ऑल्सो गिव लेसन्स टू रुकी ड्राइवर्स लाइक यू आर। ऑल राइट, टीच मी, आई एम अ क्विक लर्नर। रुकी देख के तो ये वही बोलेगा जो इसके जो ये बोल रहा है। ओके, सेम चीजें। स्टीफन टोल्ड यू दैट यू गोल इज टैक्सेस इज सर्चिंग ऑफ स्टोलन कार्स।
सैंडर इज अ मेन सस्पेक्ट। ओहो, हाउ ट्राइड सैंडर फ्रेंड्स टू इम्प्रूव यूअर रिपुटेशन एंड लर्न मोर अबाउट द स्टोलन कार। ओके, नॉर्मल रेसिंग होने वाले है ये, बढ़िया मज़ा आएगा। कंपनी से पैसा मिला था, सारे पैसे को तो मैंने उड़ा दिया पहले ही। शुरू में बूस्ट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा बढ़त बना सकूँ, फिर नॉर्मल रहते हैं और आगे चल के कहीं पर अगर मेरा गार ठुका गया ना तो मेरे को इनको कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को ट्रैक भी नहीं पता ट्रैक कौन सा है और कहाँ जा रहा है ये ट्रैक, तो पीछे था उसमें शॉर्टकट तो नहीं था ना। हाँ, पर बहुत पीछे रह गए हैं। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं, उनको अपने पास आने देना ही नहीं है। इजी यार, इजी। अब बोलो कौन है फिर न्यूबी। मैं एक फास्ट लर्नर तो हूँ, ये तो मैंने साबित कर ही दिया है। यू आर नॉट बैड फॉर अ रूकी, बट डू यू रियली नो फिन, ही रन्स टेस्ट रेसेस अमंग न्यू ड्राइवर्स। इफ यू कैन विन हिम 3 टाइम यू बी एबल टू रेस विथ अस एनी टाइम। आई वॉन हिम इन द पास्ट। सही है, मैं इसको हरा ही चुका हूँ। लास्ट टाइम आई ड्रो अ रेगुलर कार, नाउ यू आर हैव टू डू बेटर टू विन, इट्स यूअर फर्स्ट रेस, आई होप यू गॉट अ पावरफुल कार। सवाल ये है कि मेरे को भी कार को कुछ करने की ज़रूरत है क्या, अपग्रेड्स करना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि पिछले बार नॉर्मल था। इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहूँगा। स्टेबलाइजर को 1000 का है, ये थोड़ा सस्ता है। सस्ता और कोई सस्ता, इतना से काम बन जाएगा, इतना काफ़ी है उस पगले को हराने के लिए। प्राइस भी ज़्यादा है इसका, मतलब टेस्ट भी खतरनाक होने वाला है। सेम कार, व्हाट भाई, कॉपी कैट है ये तो, मेरी कार को पकड़ा रहा है। सारी चीज़ें सेम, बस उसका रूप टॉप लगा हुआ है। ओके, ध्यान रेस पे, रेस पे ध्यान दे वो रेस पे। ओके, कहाँ जा रहा है बच्चे, मुझसे रेसिंग करना सीख। जो ट्रैक बीच में दिखाया था वो कहाँ जाता है वो ट्रैक, कोई कार ना आ रहा हो। बीच में अलग से ट्रैक दिए गए हैं, वो जाते कहाँ पर हैं, यूज़ करके देखना। चलो इस रेस में नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रेस है। मुझे लगता तो है कि मैंने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया है, अपने कार के साथ भी नहीं हरा सका। सक्सेसफुली रीच्ड, बिना तो मैं भी दम नहीं लूंगा इसको। मेरे को मेरी कार पे कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, लगता तो नहीं है पिछली बार जिस तरह के डिस्टेंस उसको हराया था उससे। चलो देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। गेम जा रहा है इस बार, एक गलती और खत्म। पिछले वाले ट्रैक को ले, पीछे ये
मैं सोच रहा था कि इसमें दूसरा ट्रैक तो निकल गया। क्या बेटर प्रिपरेशन कहाँ है, मेरे से कितना दूर है देखो, 45 सेकेंड के दूरी पर जब मीटर है। अभी डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ और मैं ट्रैक गया। कृपा से ज़्यादा अमाउंट मिला इस बार, कार को ही अपग्रेड करने में काम आएगा। आई एम काइंड ऑफ गेटिंग टायर्ड ऑफ यू, नो ओट्स, नेक्स्ट टाइम आई शो माई बेस्ट स्किल इन द लास्ट रेस, चैलेंज एक्सेप्टेड। हद होती है यार, दो दो रेस से इसका पेट नहीं भरा क्या, मतलब इसको हराने के लिए तीन टेस्ट करने पड़ेंगे। सो गाइस, ये तो हार मान नहीं रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं तक रखने वाला हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।